गुनहगार हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके सारे सबूत इकट्ठा करके प्रॉपर तरीके से कानूनी कार्रवाई। तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और गुनहगार कोई भी हो, कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद गुनहगार हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके सारे सबूत इकट्ठा करके प्रॉपर तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ बीजेपी के आदमी थे, इस बात में कहां तक सच्चाई है? मैं तो नहीं कह सकता कि बीजेपी के आदमी थे या इसके आदमी थे। किसान संगठनों ने आरोप लगाया, अगर किसान संगठनों ने आरोप लगाया, जिसने लगाया इसकी सफाई वो देगा। मेरा बहुत सिंपल सा है, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे किसी भी तरह के लोग हों, अगर एक लीडर पर हमला हुआ है, गोली चली है, पत्थरबाजी की गई है, गाड़ी के शीशे तक टूटे हैं, तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और गुनहगार कोई भी हो, कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पहले जो हमले हुए थे उस पर भी बीजेपी का हाथ बताया गया था, और जितनी जगह कुछ भी होता है बीजेपी का हाथ बताया जाता है। क्या किसान संगठनों की तरफ से ही बयान दे दिया जाता है या ऐसी घटना होती है? ये काम फिर कह रहा हूं आपको, आप एक ही सवाल को बार बार जबरदस्ती पूछ रहे हो। आप बीजेपी की तरफ से होंगे, चलिए कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई भाई, देखिए आप कुछ एक एक आप ये बात, ये इसका सिंपल एक चाहे बीजेपी हो इसके पीछे या कोई भी हो, इसका सीधा तरीका है एक प्रॉपर एफआईआर हो, पुलिस प्रॉपर तरीके से निष्पक्ष की जांच करे, जो भी दोषी हो कोई भी हो चाहे वो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात भी होनी चाहिए कि ये हमले आखिर क्यों हो रहे हैं। जिस तरह छत्तीसगढ़ में हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री असम में चुनावी रैली करने जाते हैं, क्या सही है? मैंने अभी, मुझे हमले के विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता जब तक प्रॉपर जानकारी मैं न लूँ। बाद में बात करूंगा उसके से, जिस समय मुझे जानकारी होगी उस समय बात करूंगा। कल हरियाणा के रोहतक में किसानों की लाठी चार्ज हुआ, बीजेपी की पार्टी है। कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है, अपनी आवाज उठाता है, प्रजातंत्र में उसको ये हक है। अगर आंदोलन करने वाले व्यक्तियों पर लाठी चार्ज होती है जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान का अपमान है और इस देश की सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, जो बार बार कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आपको बोलने की आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, और आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं, प्रचार करें, उसकी आपको आज़ादी है। संविधान का अनुच्छेद 19 आपको ये अधिकार देता है। तो अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसको देखना जरूरी है, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। दो दिन से बीजेपी अभिनेत्री सोनाली मोहट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आगे मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैंने वीडियो देखा नहीं है, जब तक देखूंगा नहीं आप तक कोई कमेंट नहीं करूंगा, पहले देखूंगा फिर बताऊंगा। आपके कहने से नहीं मैं मानूंगा, आप कह रहे हैं अपनी तरफ से कह रहे होंगे, हो सकता ठीक हो, लेकिन मैं तो जिस वीडियो की बात करूं, या तो मुझे दिखाओ क्या है वीडियो, और अगर नहीं दिखाओगे तो मैंने देखा नहीं, जब देखूंगा तब कमेंट करूंगा। और ये बात बताएं सर कि जिस तरह कोरोना के मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 80,000 क्रॉस कर चुका है, क्या अगर ये बढ़ते रहता है तो किसान संगठन या किसान संगठन के नेता इस पर आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? नहीं, इस पर कार्रवाई क्या करेंगे, इस पर तो सरकार कार्रवाई करेगी, ये तो जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं। आप कितने दिन से आ रहे हो किसान आंदोलन में? लगातार आ रहा हूं। इतने जब लगातार आ रहे हो, 130 दिन हो गए, आपने कहीं कोरोना देखा? आपके एक कहीं कोरोना नहीं देखा? आपके किसान नेता को भी तो कोरोना हुआ, उन्होंने कहां हुआ जानकारी दी थी? कहां हुआ? कहां हुआ? अरे यार रुको एक मिनट, कहां हुआ वो? उनको कोरोना हुआ पंजाब में किसान आंदोलन में, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ है। ये 130 दिन से आंदोलन चल रहा है, लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूं, और मैं भी मास्क नहीं लगाता 130 दिन से, मैंने भी इस आंदोलन में कहीं मास्क नहीं लगाया। कहीं कोरोना है? नहीं है, एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं है। हमें जो छोड़ के गए, एक मिनट, हमें जो छोड़ के गए हैं उनमें से एक भी साथी को कोरोना नहीं है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं। दूसरा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, खुद अमित शाह गृह मंत्री बिना मास्क के रैली कर रहे हैं, बिना मास्क के जो है वो रोड शो कर रहे हैं,
कहाँ गया कोरोना? भाड़ में, असम में, असम में चुनाव हो रहे हैं, रैली हो रही है, मीटिंग हो रही है, कोई कोरोना नहीं है, कहाँ गया कोरोना? डरता है क्या चुनाव से कोरोना? तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, कोरोना नहीं है, केरल में चुनाव हो रहे हैं, कोरोना नहीं है, पौंडीचेरी में चुनाव हो रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी लाखों की संख्या में किसान सभाएं हो रही हैं, पंचायत तो नहीं है, किसान पंचायत, कोई कोरोना नहीं है, कहाँ से आ गया कोरोना? अभी तो आप देख रहे हैं, आप तो 80,000 की बात कर रहे हो, अभी तो बढ़ेगा, लाख तक ले जाएंगे, फिर लॉकडाउन लगाएंगे और उसके बाद इस किसान आंदोलन को हटाने की सारी साजिश करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, दिखाना ये वीडियो जो बीजेपी और मोदी वालों को, कि आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कितने भी षड्यंत्र कर लेना, कितने भी कोरोना की वो सारी जो संख्या बढ़ा देना, किसान आंदोलन हिलने वाला नहीं है, ये खत्म होने वाला नहीं है। नेशनल प्रोपेगेंडा आप कहेंगे इसे कि 100% है भाई, मुझे तो लगता है ये सरकारी कोरोना है, ये हकीकत में कोरोना नहीं है। जब इतने लोग लंगर में जो भी बन रहा है वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, इतने सारे लोग बिना मास्क के रह रहे हैं, किसी एक को भी तो नहीं है। और क्या इलेक्शन जो हो रहा है, बिहार में चुनाव हुआ, कोई कोरोना नहीं था, क्या इलेक्शन से डरता कोरोना? चलो किसानों से तो डरता, सरकार ही डर रही है तो कोरोना की तो औकात क्या? लेकिन क्या ये कोरोना इलेक्शन से भी डरता है? जहां इलेक्शन है वहां कोरोना नहीं है, जहां इलेक्शन नहीं है वहां कोरोना बढ़ाया जा रहा है। सपोज दैट गवर्नमेंट लॉकडाउन ला देती है अगर, तो उसमें कौन सी लड़ाई लड़ेगी जनता कोरोना के लिए? जनता तो कोरोना के लिए नहीं, जनता तो इन किसान आंदोलन जो चल रहा है इसके साथ खड़े होकर किसान कानूनों को वापस कराने की लड़ाई लड़ेगी, और इस आंदोलन को खत्म करने की ये साजिश है, कोरोना और कुछ नहीं। जिस तरह पहले लॉकडाउन लगा था तो एक आंदोलन खत्म हो गया था लॉकडाउन में, अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो क्या ये आंदोलन भी खत्म हो सकता है? आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक ये तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, सरकार समझ रहे हैं, सरकार की सारी एजेंसियां समझ लें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समझ लें, जब तक तीनों काले कृषि कानून वापस न होंगे किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा, कहीं से भी कमजोर नहीं होगा। राकेश टिकैत साहब ने एक बयान जारी किया था कि जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए, आप कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं, तो ये बात आप राकेश टिकैत जी से पूछो ना, ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो? जिस व्यक्ति ने ये बात कही है इसका सबसे बढ़िया जवाब वही व्यक्ति देगा, तो आप उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? मैंने अपनी बात बताई, इतने सारे मुकदमे लगाए गए हैं अभी भी महामारी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकदमे और भी लगा दे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लिख के दे रहा हूँ, सरकार में जितना दम हो, सरकार की जितनी भी एजेंसियां हो, जितनी भी हो, ताकत लगा लो और खूब केस बना लो, खूब मजबूती से, अगर एक भी किसान की जो है वो सजा करवा जाए, हर किसान को बरी करा के लेके आऊंगा, दावा है मेरा ये। जय जवान, जय जवान।